Hello learners. So, we have covered early theories of motivation in the previous videos. In this video, we will be talking about contemporary theories of motivation. Now, contemporary theories jo hai motivation ki unko broad, though broad category the divide kiya. One is content theories, the second is process theories. In this video, we will be exclusively covering Maslow's need hierarchy theory, which is the most popular and most widely used uh, contemporary theories of motivation.

एंड uh, ये जो नीड्स होती है ये हमको ड्राइव करती है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है बट एक बात इस थ्योरी के अंदर ये भी साफ की गई है कि सिर्फ अनसेटिस्फाइड नीड्स जो होती है एक इंसान की ओनली दे कैन इन्फ्लुएंस मे बिहेवियर नाउ इफ आई एम फीलिंग हंगरी आई विल कीप ऑन लुकिंग फॉर फूड टिल माई हंगर इज सेटिस्फाइड

ऑफ मोटिवेशन सो अर्सन दे एडवास फ्रॉम टू वन लेवल बेसिकली बेसिक से कॉम्प्लेक्स लेवल के पड़ जाते हैं पूरा पिरामिड में आपके सामने थोड़े देर में रखूंगा बट एक बार जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को सबसे पहले भूख लगी हमारी जो बेसिक नीड होती है दैट इज रोटी कपड़ा मखान तो आपको अगर किसी इंसान को भूख लगी है प्यास लगी है तो सबसे पहले वो तब तक वो सोच ही नहीं पाएगा मैं और क्या काम करूं जब तक एटलीस्ट भूख उसकी मिनिमली सेटिस्फाई नहीं हो जाए या उसको एक जो जो बेसिक लेवल की सेटिस्फेक्शन है वो जब तक नहीं मिलेगा द पर्सन विल नॉट बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल पर्सन बिल एबल टू गो फर्दर अप देर की ओनली उसकी बेसिक नीड्स जब सेटिस्फाई होती जाएगी या लोअर लेवल सेटिस्फाई होगा देन द पर्सन विल थिंक अबाउट गोइंग एडवांसिंग टू द नेक्स्ट लेवल

डेजर्टेड इन द डेजर्ट अगर कोई इंसान एकदम स्टैंडर्ड इन द डेजर्ट हो जाए कोका कोला मिल जाए या कुछ इस तरह से मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए दे जस्ट वॉन्ट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर दैट से सो एज लॉन्ग एज दैट पर्टिकुलर नीड इज अनस्फाइड इट विल कंप्लीटली मोनोपोलाइज अ पर्सन उनके पूरे दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है वो नीड जब तक वो सेटिसफाई नहीं हो एक बार वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है इट अब जैसे प्यासे इंसान को अगर पानी मिल गया उसको एक ग्लास पानी मिल गया दो ग्लास पानी मिल गया देन शी इज फाइन दे ओके फाइन नाउ नाव नेक्स्ट अब प्यास बुझ गई अब क्या करूं शुड आई गो लुक फॉर फूड शुड आई गो लुक फॉर शेल्टर और थोड़ा ठंडा पानी होता तो अच्छा होता है या साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो अच्छा होता सो दैट इज क्वाइट नेचुरल दैट वंस योर वन नीड इज सेटिस्फाइड

तो मेहनत करते थे अच्छे मार्क्स लाते थे कि मम्मी पापा साइकिल दिला के देंगे अगर हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे फिर साइकिल मिल जाती थी फिर जैसे ही बड़ी क्लास में आते थे चलो भाई साइकिल मिल है, मिल गई अब मोटरसाइकिल जाए फिर आप जब कॉलेज में आते हो या एक बार काम पे लग जाते हो तो आपको लगता है चलो भाई मैं गाड़ी ले लूं फिर गाड़ी के अंदर एक गाड़ी आपने ले ली फिर आप सोचते थोड़ा बड़ा मॉडल ले लूं तो जैसे ही एक नीड खत्म होती है दूसरी नीड तुरंत हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है सो यही बात को मास्टरों ने बोला गया और इन इस हेरारकी को इस तरह से

मैनेजर बॉस एम्प्लॉय हर किसी को ये नीड होती होती है दिस इज योर नीड फॉर फिजिकल सर्वाइवल मैं हमेशा जैसे मैं थोड़े समय पहले थोड़े, थोड़े थोड़े भी मैंने कहा मैं इसे रोटी कपड़ा मकान बोलता हूँ ये तो हमको चाहिए बट इसके बियॉन्ड भी नीड फॉर फूड ड्रिंक खाना पीना ऑक्सीजन हमारे को क्लीन सांस मिले क्लीन ऑक्सीजन मिले स्लीप नींद जरूरी है अगर आपको यूल बी स्लीप डिप्राइव तो आप काम ही नहीं कर पाओगे सेक्स

कोई दुनिया के अंदर कोई एक, एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड बना लू मैं समाज के अंदर कोई चेंज ले आऊं हमारी तो कहावत भी है कि भूखे पेट भजन ना होए तो भाई अगर आपका पेट अगर भरा ही नहीं है तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले तो सोचो कि भाई पेट में दो निवाले जाएंगे उसके बाद में कुछ काम कर पाऊंगा हमारे साथ ये होता है कि जब भी काम करने पे कोई अगर आपको पढ़ाई करने बैठना है या आपको कोई काम करने बैठना है बोलते हो यार पहले खाना खा ले खाना खाने के बाद काम करते हैं बिकॉज तब तक आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे यू विल बी वर्किंग यार भूख लगी है क्या करूं एंड यू विल बी

अब मैं आपको एक वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ काम नहीं है, कोई उसका नहीं है सिर्फ सड़क पे ऐसे ही है तो पहले वो ही करने की कोशिश करता है कि भाई मुझे पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए रहने के लिए जगह मिल जाए और इस समय वो ये नहीं देखेगा कि भाई मुझे कोई अच्छी हाई पेइंग जॉब या स्टेटस वाली जॉब चाहिए दे वॉन्ट देयर दिस बेसिक नीड टू बी सेटिस्फाई तो वो फॉर एक्साम्पल किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, जाएंगे पे दिहाड़ी बेसिस पे काम हो रहा है तो वहां जाके बोलेंगे साहब मैं पत्थर उठा देता हूँ मैं ईट उठा देता हूँ उसके बदले में मुझे चार पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना पेट भर सकू तो ये इस लेवल पे एम्प्लॉ और वर्कर इज ओनली थिंकिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड मुझे बस मैं दो चार पैसे कमा लू जिससे मैं खाना खा लू और मैं अपना पेट भर सकूं तो इस लेवल पे दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल इज सेफ्टी नीड नाउ दिस इज द नीड टू of अ रीजनेबल डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी ऑर्डर स्ट्रक्चर एंडिक्टिडिक्टेबिलिटी अभी वही हमारा जो एग्जाम्पल था कि जो वर्कर वो गया उसने कुछ खाया नहीं है बोलता है साहब मुझे कुछ भी काम दे दीजिए आप मुझे साइट के ऊपर पत्थर उठाने का काम दे दीजिए या मुझे माल उठा के ट्रक में रखवाने का काम लेबर वाला काम दे दीजिए मैं कर लूंगा बट मुझे बस आज काम दे दीजिए उसने आज एक दिन तो काम कर लिया दूसरे दिन वो पैसे कहाँ से लाएगा उसे पता नहीं दूसरे दिन फिर से वो काम ढूंढने जाएगा तो एक बार आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आप देखते हैं कि चलो यार मैं रोज जाके काम ढूंढता हूँ रोज जाके नया इनकम का सोर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसकी जगह पे मेरी एक अगर एक फिक्स जॉब हो जाए मैं किसी कॉन्ट्रेक्टर के पास लग जाऊं जहा पे मुझे एक फिक्स दिहाड़ी मिलती जाए या फिर मैं किसी कंपनी में एक पीओन की नौकरी कर लूँ या किसी कंपनी के अंदर मैं कोई भी जा, कोई कोई भी जॉब पे जो, जो भी जो भी मेरे को केपेबिलिटी के हिसाब से जॉब मिल जाए वहां पे लग जाऊं तो मुझे हर रोज हर रोज मुझे पैसे ढूंढने नहीं जाना पड़े हर रोज हर रोज मुझे काम ढूंढने नहीं जाना पड़े उसकी जगह पे एक मेरी स्टेबल नौकरी हो जहाँ पे मैं रोज जाता हूँ एक प्रिडिक्टेबल मेरी लाइफ हो कि महीना पूरा होगा तीस दिन पूरे होंगे इतने मुझे पैसे मिल जाएंगे आप चाहते हैं कि पगड़ मिले हमें मिले और इंश्योरेंस ऑफ ओनिंग ऑफ एंड सॉरी इंश्योरेंस मिल जाए हमें अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ भी होता है मेरे जाने के बाद मेरे बीवी बच्चे ठीक रहे या मेरे को अगर तबियत मेरी ठीक नहीं हो तो मेरे को बुरे वक्त के अंदर मैं अपने इंश्योरेंस के कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे निकाल के अपना इलाज कर सकूं तो यहाँ पे ये बात होती है एंड इस स्टेज पे हम लोग अपना खुद का घर ढूंढने की कोशिश करते हैं चाहे वो भाड़े का मकान हो चाहे वो कंपनी का अकोमोडेशन हो बट हम चाहते हैं कि मुझे रोज कहीं और जाके बसेरा नहीं ढूंढना पड़े उसकी जगह पे मुझे घर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स में सेफ्टी नीड जो होती है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जॉब सिक्योरिटी वर्कर्स दे वॉन्ट

एंड ये सब चीजें जो होती है दे आर योर सेफ्टी नीड्स, जिससे एक इंसान एक सेफ फील करता है अपनी जॉब में सिक्योर फील करता है नाउ मैनेजर्स को यहाँ पे देखने का कि अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयज को ना सिर्फ बेसिक पगार दें वो तो आपकी बेसिक नीड्स में चली जाए बट उनको एक पेंशन स्कीम अगर क्या हम दे सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके कुछ पैसे बचा के आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएंगे प्रोविडेंट फंड दे सकते हैं ग्रुप इंश्योरेंस कई बार कंपनियां करवाती है वर्कर्स कंपनसेशन करवाती है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या ऑन द जॉब कुछ अगर कोई तकलीफ होती है या किसी वर्कर को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रेचुअटी दे सकते हैं सेफ वर्किंग कंडीशन ये सब जो है ये मैनेजर को एश्योर करने का

फिजियोलॉजिकलिकीड्साइंग वही याद कीजिए uh, था फर्स्ट ऑफ ऑल से भी पैसा मिल जाए मैं कोई भी काम कर लूंगा मैं चाहे दिहाड़ी काम कर लूंगा लेबर काम कर लूंगा कुछ भी काम मिल जाए एक बार वो काम मिल गया देन देर सेफ्टी की भाई एक जॉब सेफ्टी हो जाए परमानेंट जॉब लग जाए जिसमें हर महीने पगार मिलती जाए ढूंढने नहीं जाना पड़े एक घर के ऊपर छत मिल जाए तो ये दोनों नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है देन वो पर्सन ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं मेरे एक अच्छे रिलेशनशिप्स बने मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूं तो मुझे मेरे एक एक लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत बनी रहे पीपल शुड एक्सेप्ट मी एज अ पार्ट ऑफ देयर होम मेरी खुद की एक फैमिली हो मैं लोगों के साथ रहू मुझे अच्छा लगे लोगों के साथ समय बिताने में तो यू स्टार्ट बी लुकिंग फॉर फुलफिलिंग योर सोशल नीड्स वी ऑल नो दैट अ मैन इज अ सोशल एनिमल तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं नाउ एट दिस लेवल

You, you want भाई मैं किसी भी एक ग्रुप का हिस्सा बनू चाहे वो सोशल ग्रुप हो चाहे वो कंपनी का ग्रुप हो चाहे वो एक आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो कोवर्कर्स काम करते हैं मैं अकेला फील नहीं करूँ आई शुड नॉट फील लोनली आई शुड नॉट को सोसाइटी ने बहिष्कार मेरा किया हुआ आई एम सोशली ऑस्ट्रसाइज ऐसा फील नहीं होना चाहिए कोई मेरा दोस्त नहीं है मैं एक रिजेक्टेड हूँ ये सब फीलिंग की जगह पे यू वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाई पीपल यू वॉन्ट टू बी लव बाई पीपल यूटी रिस्पेक्टेड बाई पीपल

डियल माहौल बना रहे और कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति आती है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट के बात बिगड़ने से पहले सुलझा लीजिए नेक्स्ट लेवल इज सेल्फ स्टीम नीड्स एक बार आपको लगता है सेफ्टी इन माई जॉब आई एम एंजॉइंग विद माई को वर्कर्स मैं अपनी फैमिली के अंदर भी खुश हूँ देन यू मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट सेट ऑफ नीड विच इज यो इगोइ भी कहा जाता है अब आप चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में आई शुड गो इवन हायर आई शुड गो इवन बेटर एंड मैंने जितना अचीव किया है उसके बियॉन्ड कैसे जा सकता हूं। तो इसके टू सबसेट्स बनते फर्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट कि इंसान पहले तो सबसे पहले तो खुद अपने आप से सवाल पूछता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम ठीक है इज इट वर्थ वाइल एंड मेरे को मेरी लाइफ के सामने जो भी मेरे काम है क्या मैं उसको अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ

अभी आपको सिर्फ पगार मिल रही है रहने के लिए घर मिल गया वो नहीं लोग मुझे प्यार करे लोग मुझे रिकोगनाइज करे लोग मुझे एक्सेप्ट करें मुझे अटेंशन दे अप्रिशिएट करे मेरा एक स्टेटस होना चाहिए रुतबा होना चाहिए वो इस लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं नाउ द सेटिस्फाइंग ऑफ दिस नीड्स अगर ये नीड्स होती है तो इट ये अगर हमारी ये नीड्स अगर हम सेटिस्फाई कर पाते इफ वी गेट नॉट ओनली आर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट बट आल्सो एस्टीम फ्रॉम अदर्स वी आर एबल टू गेट अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्थ स्ट्रेंथ

Then you want, भाई, मेरी पगार बढ़नी चाहिए मेरे काम के हिसाब से यू लिप यू वॉन्ट पे इंक्रीज मेरे को कंपनी की तरफ से जो भी हो सके मुझे अवार्ड मिले मुझे कंपनी की तरफ से रिकोग्नाइजेशन मिले मेरा मैनेजर मुझे शाबाशी बोले एंड आई शुड गेट मोर चैलेंजिंग टास्क साहब ये वाला काम तो हो गया ये तो भी आसानी से बायात का खेल हो गया कुछ नया काम दीजिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और कंपनी के अंदर कंपनी की जो पब्लिसिटी होती है मैगजीन है पब्लिकेशन है, है वहां पे न्यूज लेटर्स के अंदर मेरी वाहवाही होनी चाहिए मैं इस तरफ पहुंचता हूँ नाउ मैनेजर्स को यह ध्यान रखने का कि हमें अपने एम्प्लॉइज को उनको चैलेंजिंग एक रीजनेबल चैलेंजिंग वर्क देते रहना चाहिए रीजनेबल चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट देते रहना चाहिए सो देट देील बोर्ड They should feel driven, के नहीं मजा आ रहा है काम कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज भी करना पड़ता है we need to give them personal encouragement. कई बार कुछ भी नहीं होता है आप खाली अपने वर्कर्स को एक शाबाशी बोल दीजिए या थैंक यू बोल दीजिए गुड जॉब बोल दीजिए उससे भी काफी फर्क पड़ता है पर इसके साथ साथ टाइम टू टाइम अपने मैनेजर्स को अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड कीजिए वो किस तरह फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल वो हम बात करेंगे बट किसी भी तरह का रिवॉर्ड हो सकता है कि भाई आपने उन्हें कुछ एक बोनस uh, दे दिया या आपने उनको कंपनी के जो एनुअल होते हैं उसके अंदर आपने उनको एक सर्टिफिकेट दे ट्रॉफी दे दी तो पीपल फील गुड दे फील गुडी फील्फ एस्टीम नीड बीन मेट लास्ट जो पिरामिड uh, के अंदर पायदान है जहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ टाइम में विच इज सेल्फ सेन नीड्स

कई लोग उससे फील करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज तो हर किसी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अलग होता है दिस इज अब देखिए हम बात कर रहे थे बेसिक बेसिक नीड्स नीड्स की में हमने बोला कि हर एक इंसान चाहे वो बॉस हो मैनेजर हो वर्कर हो एम्प्लॉय ये ये सुपरवाइजर हो हर किसी को बेसिक नीड्स होती है और सब किसी की बेसिक नीड्स मोर और लेस सेम ही होती है रोटी कपड़ा मकान जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जब तक आप ऊपर जाते जाते हैं ये हर किसी की अलग अलग होती है कोई अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है कोई अच्छा परफॉर्मर बनना चाहता है कोई एक अच्छा एनजीओ चलाना चाहता है कोई बहुत पैसे कमाना चाहता है तो ये जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्सेंटेड बाय डिंग इन वन जॉब आपको लगता है कि आप जो कर सकते थे आपने बहुत अच्छा कर लिया एंड इससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया

एक और इसके अंदर एलिमेंट एक और डायमेंशन इस स्टेज पे देखा जाता है कि जो इंसान बहुत सेल्फ एक्चुलाइज फील करेगा कोई अगर एक वर्कर बहुत सेल्फ एक्चुलाइज फील करेगा दे विल बी हैप्पी टू टीच न्यूअर मैनेजर न्यूअर जनरेशन वो लोगों को अपना नॉलेज पास ऑन करने में दे विल फील वेरी सिक्योर एंड वेरी हैप्पी बिकॉज दे थिंक मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया अब मुझे नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना चाहिए मास्लो की जो थ्योरी है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मोस्ट फेमस थ्योरीज तो इसका काफी अप्रिसिएशन भी है और इसके काफी क्रिटिसिज्म भी है पहले बात कर लेते हैं अप्रिसिएशन ऑफ थ्योरी की तो ये थ्योरी प्रेजेंट करती है ऑफ नॉन इकोनॉमिक वर्कर नीड्स कि ये बात करती है थ्योरी कि वर्कर को ना सिर्फ पैसे चाहिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि वर्कर को ना सिर्फ पैसे चाहिए बट पैसे के बियॉन्ड भी एक इंसान को काम करने के लिए और भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि यू वांट योर सोशल नीड्स यू सेल्फ एस्टीम नीड्स तो ये काफी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं ये थ्योरी ये बात भी बताती है कि इंसान के सर्कमस्टेंसेज के साथ उसके मोटिवेशन भी चेंज होते हैं समय के साथ हर एक व्यक्ति के मोटिवेशन जो ट्रिगर्स है वो चेंज होते रहते हैं तो हाउ हाउ द मैनेजर्स कैन थिंक अबाउट मोटिवेटिंग दर एम्प्लॉय उनकी जरूरतों के बदलने के साथ साथ हम किस तरह से अपने मोटिवेशन आइडियाज चेंज कर सकते हैं वो इस थ्योरी के अंदर कवर किया गया है दिस थ्योरी इट अकाउंट फॉर बोथ इंटरपर्सनल इंटर इंट्रापर्सनल वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर कि कुछ इंसान पैसे से मोटिवेट होते थे कुछ नहीं होते तो मैनेजर को ये बात समझने में आएगा कि भाई अगर मैं सपोज मैं राम को पैसे से मोटिवेट कर पा रहा हूं तो शाम को शायद पैसा जरूरी नहीं है उसके लिए कुछ और जरूरी है उसको पैसे की जगह अगर मैं उसको एक उसको शाबाशी दे सकू उसको अचीव उसको रिकोगनाइज कर सकू उसको एक सर्टिफिकेट दे सकूं तो वो शायद उससे ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है तो जो हर एक इंसान का जो फर्क है मोटिवेशन का वो इस थ्योरी के अंदर रिकोगनाइज किया गया और उसके ऊपर रोशनी डाली गई इस थ्योरी में नाउ ये मॉडल डायनेमिक है मोटिवेशन को एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फोर्स की तरह देखता है ये मॉडल बहुत क्लियर कट बोलता है कि इंसान को एक बार मोटिवेट कर देने से कुछ नहीं होता हमें लाइफ टाइम इस मोटिवेशन के ऊपर काम करते रहना चाहिए टोटल डिपार्चर हमारी जो अर्ली थ्योरीज के अंदर हमने देखा था ये उससे अलग है विपरीत है एंड सबसे बड़ा अप्रिसिएशन इस थ्योरी का इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी ये, ये थ्योरी इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है बिकॉज इट इज वेरी सिंपल वेरी 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 सिंपल इट इज अप्रिशिएटेड फॉर सिंप्लिस Uh, बहुत कॉमन है वी ऑल कैन कनेक्ट टू दिस थ्योरी ह्यूमननेस हम सब लोग इस थ्योरी के साथ कहीं ना कहीं एक कनेक्ट कनेक्शन बना पाते हैं जो इस थ्योरी की सबसे बड़ी ब्यूटी है थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी है हर एक कोई भी थ्योरी अगर हम साइंस में बनाते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म होते ही है एंड मास नीड हिर की थ्योरीप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन

People, even if they are on the fourth level or fifth level, they still want their first level and second level needs to be satisfied. Even if we assume that hierarchy does exist, it may not be the same in all countries. हर एक कंट्री का कल्चर अलग होता है हर एक कंट्री के अंदर अलग तरीके से देखा जाता है फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एशियन कल्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है सोशल रिलेशन फैमिली फैमिली रिलेशन कोवर्कर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बना रहे जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कई बार ये देखा गया है कि दे आर मोर इंडिपेंडेंट दे 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 आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर अप्रोचेस एंड दे डोंट माइंड वर्किंग अलोन इन थिंग लाइक दैट सो वो हर एक कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है नॉट ओनली द डिफरेंस अक्रॉस कंट्रीज बट इवन इंडिविजुअल में हर एक अब सिर्फ अगर हम देशों की बात नहीं करें तो आप अपनी कंपनी के अंदर भी अपने आसपास भी देखेंगे तो हर एक इंसान अलग है हर एक इंसान का मोटिवेशन लेवल अलग है तो एक मैनेजर अगर इसके बेसिस के ऊपर अगर यही बात इधर कही गई है कि मैनेजर के पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि हर एक एम्प्लॉय का मोटिवेशनल लेवल देखे कि भाई ये किससे ड्रिवन है फिजियोलॉजिकल नीड से ड्रिवन है सोशल नीड से ड्रिवन है सेल्फ एस्टीम नीड से ड्रिवन है तो वो क्या करता रहेगा सारा टाइम बस वो रिवॉर्ड ही सिस्टम बनाता रहे लोगों के लिए टेलर मेड सिस्टम ही क्रिएट करता जाए विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल नाउ अजम्पन अबाउट साइकोलॉजिकल हेल्थ इज नॉट एक्सेप्टेबल मेनी इंडिविजुअल्स कई लोग होते हैं जिनको आ, मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि भाई ठीक है खाने के लिए हमें खाने के लिए तीन टाइम खाना मिल जाता है तन के ऊपर बेसिक कपड़े हैं एक सिंपल घर है हम खुश हैं